तो फाइनली बजाज ने अपनी ऑल लॉन्च कर दिया है सो तो इस अपडेट की काफी टाइम से रिक्वायरमेंट थी जो कि अब बजाज ने पल्सर वन में दे दिए है सो तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को बगैर टाइम वेस्ट करें एंड सबसे पहले बात करते हैं न्यू पल्सर 125 के न्यू चेंजेस पर मीटर कंसोल अपडेटेड मिलेगा जो कि अब इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी एंड इसमें आपको गियर इंडिकेटर पोजीशन भी मिसिंग है दूसरा अपडेट इस बाइक में मिलेगा न्यू ग्राफिक कलर ऑप्शन तो सेम है कार्बन ब्लैक कलर की लेकिन अब इस बाइक में आपको न्यू ब्लू कलर के ग्राफिक मिलेंगे सीट स्प्लिट होगी स्प्लिट क्रैब रेल के साथ एंड इसके अलावा आपको पल्सर 125 ट्वेंटी फाइव न्यू सिंगल सीट में आपको मीटर कंसोल वही पुराने वाला देखने को मिलेगा तो ये ऑप्शन मीटर कंसोल की आपको टॉप एंड मॉडल में ही मिलेगी किक स्टार्ट की भी ऑप्शन है इसमें सो so, देखने में न्यू पल्सर 125 ट्वेंटी फाइव कम्पलीटली रिफ्रेश है सो so, इसके अलावा पल्सर 125 ट्वेंटी फाइव में आपको सेम डिजाइन एंड फीचर्स मिलेंगे सो so, ओवरऑल इंजन एंड स्पेसिफिकेशन भी सेम है जिसमें आपको वन ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर सी सी एयर कूल्ड इंजन मिलेगा पावर एंड टॉर्क रेशियो भी इस बाइक में सेम है पावर मिलेगी 11.6 पॉइंट सिक्स एच पी एंड टॉर्क ये बाइक जनरेट करेगा टेन पॉइंट एट न्यूटर ऑफ गियर होंगे स्पीड ट्रांसमिशन के साथ तो मेजर अपडेट इस बाइक में मिलेगा फुली डिजिटल मीटर कंसोल का सो तो अब बात करते हैं पल्सर 125 स्प्लिट सीट टॉप एंड बाइक के प्राइसिंग के बारे तो प्राइस इसका इंक्रीज हुआ है सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज से लेके थ्री थाउजेंड रुपीज तक मैक्सिमम एंड बजाज ने इसे लॉन्च भी कर दिया ऑफिशियली कुछ डीलरशिप पर यह बाइक अवेलेबल है तो आप नीरज बजाज के डीलरशिप पर इसे बुक करवा सकते हैं एंड आपको डिलीवरी सबसे पहले मिलेगी न्यू बजाज पल्सर 125 लेटेस्ट बाइक कम्पीट करेगा होंडा एस पी वन ट्वेंटी रेडर वन एंड हीरो ग्लैमर एक्सटेक्स से बाकी आज के रिव्यू को इधर ही वाइंड अप करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बाइक के रिलेटेड बाकी मिलते हैं अगले रिव्यू में